हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 6 ऐसे टिप्स जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम आएंगे घर के सामानों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आई होप आपको कोई ना कोई टिप जरूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले टिप है फ्रेंड्स, मेरे सूटकेस को लेके, जो सूटकेस हमारे होते हैं इस तरीके से रखे रहते हैं तो बहुत गंदे हो जाते हैं। देखिए, तो उनको गंदे ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कोई भी पुरानी टी शर्ट ले लेनी है अपनी, जो भी आप यूज़ नहीं करते हो, जिसको थोड़ी बहुत फट गई हो या कलर डल हो गया हो, आप कोई भी टी शर्ट ले लें यहाँ पर। फिर उसके बाद आपको इसको इस तरीके से उल्टा कर लेना है, और फिर यहाँ पर जो स्लीव का साइड है यहाँ पर आपको सीधा इस तरीके से सिलाई लगानी है एक दोनों साइड से, और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। तो यहाँ से कट लगाना है सीधा और सिलाई कर देनी है, और या नेक के पास से भी एक सिलाई करनी है। तो जिनकी मशीन अगर नहीं है किसी के पास, तो आप हाथ से भी इसे सिल सकते हैं इस तरीके से। तो हाथ से देखिए, इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव के साइड में और ऊपर के टॉप साइड में भी सिल दिया है। अब इसको हम पलट लेते हैं इस तरीके से, और अब हम इस सूटकेस को पहना देंगे। देखिए, तो सूटकेस का कवर हमारा इतना ईजीली रेडी हो जाएगा, और आपके सूटकेस इस तरीके से गंदे भी नहीं होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी टिप थी फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करें आप। तो कोई भी टी शर्ट आपकी वेस्ट पड़ी हो उसको इस तरीके से पहना दें, और दोनों साइड से आपको इस अंदर कर देना है इस पॉइंट को, और इस तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा टाका लगा देना है। इस तरीके से हम लगा देंगे, और देखिए इतनी जल्दी हमारा एक मिनट भी नहीं लगता और ये रेडी हो जाता है कवर ईज़िली। और आप चाहें तो हैंडल की साइड पर, अगर आपको ओपन रखना है हैंडल सूटकेस का, तो नेक को ना सिलें, नेक वाला जो एरिया उसको ओपन रखेंगे तो नेक के साइड से आपका हैंडल दिखेगा। और देखिए, सूटकेस का कवर हमारा हो गया रेडी। सेकंड टिप है फ्रेंड्स मेरी, एक और टी शर्ट मैंने यहाँ ले ली है, पुरानी है देखिए, और मैंने ना नीचे की साइड से इसको सिलाई लगा ली है, और इसको हाफ कट करके ले लिया है मैंने ऊपर से। देखिए, तो जितना भी हमको कार्डबोर्ड का साइज़ है उस हिसाब से हमको टी शर्ट कट करके ले लेनी है यहाँ पर, और इसको अंदर डाल देंगे हम कार्डबोर्ड को टी शर्ट के। और इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा होना चाहिए, देखिए अंदर की तरफ जैसे हम मैंने रखा है एक्स्ट्रा कपड़ा, इस तरीके से आपका होना चाहिए ज़रूर। इसको अच्छे से सेट कर लें पहले, और फिर ये देखिए कार्डबोर्ड का एक और मैंने पीस कट करके ले लिया है यहाँ पर, और जो नीचे से पूरा साइज़ मेजरमेंट करके मैंने कट करके लिया है कि इसमें अच्छे से फिटली बैठ जाए। तो देखिए, इसके अंदर मैंने रख दिया है, और अब जो पॉइंट निकले हुए हैं दोनों साइड से इसको हम यहाँ पकड़ के स्टिच कर देंगे। तो ये दोनों स्टिच कर देना है हमें। तो इस तरीके से फ्रेंड पुराने कपड़ों का भी यूज़ हो जाता है, और घर में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सामान भी बन जाता है आपका इजीली। तो आप पुराने टी शर्ट, बनियान, लेगिंग्स, इनके मतलब पुराने कपड़ों के ओवरऑल आपको बहुत सारे यूजेस मिलेंगे मेरे चैनल पे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आगे आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ ऑर्गेनाइज़र हमारा हो गया रेडी। तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र अगर आप ऑनलाइन ख़रीदने जाओगे कपड़े रखने के लिए, तो बहुत ही महंगे आते हैं, आप देख लीजिएगा नेट पर। तो यहाँ देखिए, बिना किसी खर्चे के हमारा हो गया रेडी ईज़िली, वो भी 2 मिनट भी नहीं लगता है इसको बनाने में। और देखिए, ये हो गया रेडी। तो इसमें तो मैंने तो अपना सामान रखा है, आप चाहे तो कपड़े रखने के लिए, सामान रखने के लिए कैसे भी यूज़ कर सकते हैं इसे। और थर्ड टिप है फ्रेंड मेरी, इस तरीके के जो डब्बे आते हैं हमारे खाने के, या फिर सोन पापड़ी, मिठाई, कुछ भी आती रहती है इनके अंदर, तो डब्बे को आप बिल्कुल भी ना फेंकें, उसे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है, और इसके ऊपर आप चाहें तो इस तरीके से पेपर भी चिपका सकते हैं, बट मैं आपको ऐसे ही करके दिखा रही हूँ क्योंकि मैं इस पर नहीं चिपकाने वाली, इसको मैं अलग तरीके से बनाने वाली हूँ इसीलिए। तो ये देखिए, इसको मैंने ओपन कर लिया है, और इसके अंदर इस तरीके के जो बॉक्सेस होते हैं हमारे, उसको सेट कर देना है हमें। तो देखिए, सेट हो गए। तो आप छोटे बड़े जैसे भी साइज़ के आपके बॉक्सेस हैं उस हिसाब से आप सेट कर लें, आप बड़े छोटे दोनों मिक्स करके भी लगा सकते हैं। और फिर इसमें आप अपने जो मेकअप का सामान है, या फिर आपके जो इनर वेयर होते हैं वो भी रख सकते हैं, कुछ भी मतलब ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं इसमें, बहुत ही अच्छे से रहते हैं। तो देखिए, मैं मेकअप का सामान ऑर्गेनाइज़ करके दिखा रही हूँ आपको। तो आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे इस तरीके से रख सकते हैं इसे, एक ही जगह पे आपका सारा सामान रहेगा, इसको जस्ट आपको हटाना है और क्लीन करना है। तो बहुत ही अच्छा आइडिया है फ्रेंड्स, और इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए कार्डबोर्ड को मैंने एक और तरीका यहाँ पे लिया है, और आगे आप देखिएगा वीडियो में मिलेगा आपको। तो ये देखिए, इस तरीके से अगर पैक करके रखना है तो ऐसा बनाइएगा, अगर आपको ओपन रखना है तो आप इस तरीके की जो ट्रॉलीज आती हैं, बास्केट्स आती हैं प्लास्टिक की, उसमें भी रख सकते हैं इस बॉक्सेस को, तो भी सामान हमारा ऑर्गेनाइज रहता है। अदरवाइज़ एक ही में आप डाल देते हैं तो सब खचपच खचपच हो जाता है, तो इस तरीके से अलग अलग रखने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं।
और ये देखिए ये ड्रॉअर में भी मैंने रखा है इस तरीके से सामान को ऑर्गेनाइज करके, तो ड्रॉअर्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया फ्रेंड्स, इस तरीके के डब्बे को आप बिल्कुल भी ना फेंकें, और कार्डबोर्ड के डब्बों को भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं इसको यहाँ से कट कर देने वाली हूँ क्योंकि मुझे इसका कवर नहीं चाहिए, मुझे इसको ऐसे ही रखना है। तो इसको मैंने कट करके निकाल दिया है देखिए, और अब इसका सामान मैं हटा दूँगी। और यहाँ मैंने ना एक पुरानी बनियान ले ली है हस्बैंड की, तो आप यहाँ पे कोई भी पुरानी बनियान या टी शर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने कार्डबोर्ड में आपको यूज़ करके दिखाया, उसी तरीके से आपको करना है। तो मैं यहाँ अभी जल्दबाजी में आपको ऐसे ही करके दिखा रही हूँ, बट तरीका वही है जैसे अभी हमने तो पहला देखा था, जो सेकंड नंबर का जो टिप था हमारा कार्डबोर्ड का, उसी तरीके से आपको करना है। इसे भी इस तरीके से फोल्ड कर लेना है पीछे की तरफ, अच्छे से सेट कर लेना है, और यहाँ स्टिच कर देंगे हम। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट में दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसको आप इस तरीके से सिलाई कर लें, और फिर इसके अंदर कार्डबोर्ड ज़रूर सेट करें, उससे अच्छे से फिक्स हो जाता है ये, और उसके बाद आप अपना सामान रख लें इस तरीके से। तो ये देखिए कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया, और इसको आप देखिए इनरवेयर रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स, मेरी पुरानी टी शर्ट ले लेनी है मैं, और एक तो यहाँ आप शर्ट का भी यूज़ किसी भी कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, शर्ट का, टी शर्ट का, बनियान का। उसको आपको फिर से स्लीव का यहाँ से कट लगाना है सीधा, और स्लीव को पैक कर देना है, और उसके बाद जहाँ जहाँ मैं मार्किंग कर रही हूँ ना वहाँ वहाँ इसको सिलाई कर लेना है हमें, तो ऐसे बॉक्सेस टाइप में हमको सिलाई कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया है ऑलरेडी, और देखिए इसमें आप स्टिच की हुई है, और नीचे से मैंने ना इसे थोड़े से कट कट करके और इस तरीके से खींच के बनाया हुआ है, तो फिर थोड़ा सा डिज़ाइन जैसा लगे इसमें इसीलिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक पार्ट पकड़ के जो फ्रंट वाला है उसमें कट लगा दिए हैं, तो ये पॉकेट्स बन गए हैं इसमें, और इसको हम इस तरीके से हैंगर में हैंग कर देंगे, और इसमें आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं, मोजे, मास्क, टीवी रिमोट, जो आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, और आप इसको कबर्ड में हैंग कर लें, या फिर आप जहाँ मतलब करना चाहें अलमारी में वगैरह में, या फिर टीवी वगैरह के पास कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स मेरी, इस मेडिसिन के पत्तों को लेके, जो हमारी मेडिसिन आती हैं उनके पत्तों को आप फेंकने से पहले इस तरीके से यूज़ कर लें एक बार, तो हमारी जो कैंचियाँ होती हैं जिनकी धार चली जाती है, तो जिधर को आप इस तरीके से कट करेंगे तो इसकी धार अच्छी हो जाती है। तो आप ऐसे ऐसे करके फिर ही मेडिसिन के पत्तों को फेंकें, तो इससे थोड़ी सी धार अच्छी हो जाती है कैंची की, और फॉइल को भी आप कट कर सकते हैं इस तरीके से। तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और लास्ट टिप है मेरी फ्रेंड्स, सिलाई जो करते हैं उनके लिए है ये। तो ये छोटी सी डब्बी ले ली है मैंने, जो आइसक्रीम की आती है, आइसक्रीम का कप जो आता है वो है, और उसके अंदर देखिए मैंने मोज़े में डाल दिया है उसको कट करके, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा मोज़ा है उसको मैं इस तरफ से सिलाई कर लें, या फिर आपके पास दूसरा मोज़े का टुकड़ा पड़ा है तो उसको ले लें। तो मेरे पास और एक पड़ा हुआ था, तो उसमें मैंने बाकी के टुकड़े भर दिए हैं इस तरीके से, और अब हम इसे बांध लेना है यहाँ पर। तो मैं इसी को कट करके बांध देने वाली हूँ इसको यहाँ पर। उसके बाद इसे सेट कर लेना है हमें अच्छे से, इस पर लगा के देख लेना अच्छे से, और उसके बाद आप इसको ग्लू की मदद से या फिर आप सुई धागे से भी इसको स्टिच कर सकते हैं सब तरफ से घुमा के। तो ये बहुत ही अच्छा पिन होल्डर हमारा रेडी हो जाएगा, जो ऑल पिन्स आती हैं जो कपड़ों में लगाने के टाइम हम सिलाई के टाइम यूज़ करते हैं वो इसमें लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये टिप आप ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली जो सिलाई करती हैं लेडीज़ उनके लिए बहुत ही बढ़िया है ये। सो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।